Good morning, student. Myself, Pradhuman, your physics teacher in Modern International School, Hiswa. Today, just I have to start revision class for Unit 1, that means chapter motion, rest and motion. ये रिविजन क्लास है, इसमें उतना ज्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, है ना। पहले तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, आगे स्टार्ट किया जाए। व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, आपको पहले भी मैंने इस चीज के बारे में डिस्कस किया है। रेस्ट, व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंजेज इट्स पोजिशन, व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंजेज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग with passage of time, then the body is said to be in rest. Suppose ये pen के बारे में देखो, इस pen को यहाँ पे मैंने press किया, हमारे surrounding में क्या क्या है, बहुत सारे object हैं, board हो गया, दीवार हो गया, camera हो गया, bulb हो गया, क्या उसके respect में इसका position change हुआ, नहीं हुआ, that means this body is said to be in rest with respect to all these surrounding point. हमने मूव किया, क्या देखा, यहाँ पे लाया तो अभी यहाँ पे था, इसका पोजिशन इधर के रेस्पेक्ट में कहा जाए तो इसके पास चला गया, इसके रेस्पेक्ट में कहा जाए तो इससे दूर चला गया, क्या इसका पोजिशन चेंज किया, यस, तब इस तरह से कहेंगे कि आपका ये मोशन में है। बट आइए कुछ और टर्म्स जान लें। मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, मोशन आपका एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, दिस इज रिलेटिव टर्म। किसी भी बॉडी के बारे में आप डायरेक्टली ये नहीं कर सकते कि दैट बॉडी इज इन रेस्ट, कंप्लीटली रेस्ट और कंप्लीटली इन मोशन, बिकॉज नो बॉडी इज कंप्लीटली इन रेस्ट। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तब भी मैं आपको, आप नहीं कह सकते कि मैं कंप्लीटली रेस्ट में हूं। हाँ, इस दीवार के रेस्पेक्ट में, आपके आसपास के सराउंडिंग चीजों के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट रोड पर कोई आपका गाड़ी जा रही है, कोई आपका व्हीकल मूव कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, उसके रेस्पेक्ट में तो मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है ना, दैट मींस विद रेस्पेक्ट टू दैट बॉडी आई एम इन मोशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम कोई भी बॉडी को डायरेक्टली आप नहीं कह सकते, ये एब्सोल्युटली नहीं कह सकते कि दिस बॉडी इज इन रेस्ट और दिस बॉडी इज इन मोशन। जस्ट बहुत सारे पैसेंजर बस में बैठे हुए हैं, बस एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, द पर्सन सिटिंग इन अ बस ऑल आर इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर, बट ऑल द पैसेंजर आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू द बॉडी और ए ट्री और एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस। हम इस तरह से कह सकते थे, इस तरह से आप कहेंगे कि ये आपका मोशन रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। आइए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस, जब भी आप चलोगे तो कोई पाथ तो ट्रेवल करोगे, है ना, किसी ना किसी तरह का पाथ को ट्रेवल करोगे, तो द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस पाथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। आप जैसे भी पाथ को चलो, है ना, आप क्यों नहीं यहां से चलते चलते वापस इस तरह से घूमते हुए यहीं पे आ जाओ, है ना, तो क्या हो गया, आपका जो पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा, सारे पर क्या करो, आप मीटर टेप बिछा दो और सारे का लेंथ का मेजरमेंट कर लो, तो जो लेंथ आएगा उस लेंथ को डिस्टेंस बोला जाता है, ओके, है ना, लेंथ, सॉरी डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट लेंथ, द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। आपको इसी के बारे में देखा जाएगा, इस तरह से चलोगे तो इसका लेंथ तो कुछ ना कुछ तो होगा, बट आपका शॉर्टेस्ट क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट और ये आपका फाइनल पॉइंट है, तो ये आपका स्ट्रेट पाथ ही ना आपका हो गया सबसे शॉर्टेस्ट, क्या इससे भी कोई शॉर्ट पाथ है, इससे कोई शॉर्ट पाथ नहीं है, दैट मीन्स दिस पाथ, दिस लेंथ इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन को ध्यान में रखना, अगर यहां पे कोई बॉडी है सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज
this straight line, this path is the displacement, this length is the displacement, ओके? तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे, क्लियर हो जाना चाहिए। आइए आगे देखा जाए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कुछ और टर्म्स हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक टर्म है वेक्टर एंड स्केलर। व्हाट इज वेक्टर? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज द फिजिकल क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी, है ना? तो जैसे हम आपको इस मोबाइल के बारे में बताए, किस मोबाइल के मेजरेबल है, ये मेजरेबल नहीं है। मोबाइल मेजरेबल आपका नहीं होता, मोबाइल का सरफेस एरिया मेजरेबल, मोबाइल का ये डायगोनल लेंथ मेजरेबल, इसका जो किनारा है, एजेज है, वो मेजरेबल है ना, लेंथ मेजरेबल है, सरफेस एरिया मेजरेबल है, इसका मास मेजरेबल है, इसका वेट मेजरेबल है। तो बताइए इसमें मेजरेबल क्या, वो मोबाइल हुआ या मोबाइल का लेंथ, मोबाइल का सरफेस एरिया, मोबाइल का जो वेट हुआ वो मेजरेबल है। हाँ, ये इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो वेट आपका फिजिकल क्वांटिटी हो गया, मोबाइल का जो लेंथ हुआ, लेंथ मेजरेबल क्वांटिटी है, दैट मींस वो फिजिकल क्वांटिटी हो गया। स्क्रीन जिसका सरफेस एरिया है, वो सरफेस एरिया मेजरेबल क्वांटिटी, यानी कि सरफेस एरिया फिजिकल क्वांटिटी हो गया, है ना? बट आपका मोबाइल को नहीं कह सकते कि ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है। इस बोर्ड के बारे में देखो, बोर्ड का सरफेस एरिया मेजर कर सकते, आपका पैरिमीटर मेजर कर सकते हो, तो ये सारे टर्म्स मेजरेबल हैं, है ना? क्लियर होना चाहिए आपका फिजिकल क्वांटिटी। आइए कुछ और सीख लें। तो अब रही बात आपकी वेक्टर एंड स्केलर की। वेक्टर होते क्या है, स्केलर होते क्या है, इन क्लास 9 आपको बहुत थोड़ा सा पढ़ना है। तो दोज क्वांटिटी दिस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दिस हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप इसको मेजर किया ना, सपोज इसका लेंथ आपका 2 मीटर आया, तो 2 मीटर ये इसके लेंथ का मैग्नीट्यूड हो गया। 2 मीटर ही क्या हो गया हमारा, मैग्नीट्यूड 2 हो गया मैग्नीट्यूड, और मीटर हो गया इसका यूनिट, लेंथ का यूनिट, है ना? जब भी किसी को मेजर करोगे तो 2 टर्म, मैग्नीट्यूड और यूनिट। जैसे मास है, कैसे बोलोगे 2 kg है, तो 2 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द अमाउंट, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉडी, है ना? एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मास, एंड केजी क्या हो गया, यूनिट ऑफ द मास। इस तरह से मैग्नीट्यूड और यूनिट को लेकर के किसी भी चीज का मेजरमेंट किया जाता है। सरफेस एरिया बोलोगे 5 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द सरफेस एरिया, एंड 5 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरिया, है ना? तो इस तरह से मैग्नीट्यूड समझे। तो वैसे क्वांटिटी जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो वो क्या होंगे, स्केलर होंगे। बट जिनके पास दोनों हो, डायरेक्शन भी हो मैग्नीट्यूड भी हो, उनको वेक्टर कहते हैं। आइए कुछ टर्म्स ले लें, एग्जांपल ले लें। फोर्स क्या है आपका, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। हम इस पर फोर्स लगाएंगे, किधर की ओर पुश होगा, इस डायरेक्शन में, हमने इधर की ओर पुश किया। टाइम हमारा क्या है, टाइम भी मेजर करते हो, टाइम किस डायरेक्शन में जा रहा है, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है, किधर जा रहा है भाई टाइम, कुछ पता ही नहीं है, है ना? तो टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना, स्केलर हो गया, ठीक है। उसी तरह से एनर्जी भी क्या है, जैसे यहां पे हम आग जलाना शुरू कर दें, तो क्या आग जलाओगे तो उसका हीट एनर्जी जो है क्या एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, वो सराउंडिंग में किसी भी तरफ सभी तरफ जा सकता है। तो एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, हाँ ना? इस तरह से आप समझोगे। तो उसी तरह से स्पीड, सॉरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो ये हमारा इस पे, और एक्चुअल पाथ क्या है हमारा, इसमें कहीं भी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, दैट मींस दिस इज अ स्केलर। बट ये दिस टर्म इज डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन है, यहाँ पे देखोगे इधर जा रहा है, हर हमेशा देखोगे एरो एक ही डायरेक्शन में, बट इसमें इधर डायरेक्शन है, इधर की ओर एरो इधर हो गया, एरो इधर हो गया, यहाँ एरो हो गया, है ना? तो इसमें एरो का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, दैट मींस डिस्टेंस इज स्केलर बट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, क्लियर? आइए स्पीड एंड वेलोसिटी टर्म्स को देखा जाए। स्पीड, स्पीड है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम,
यानी कि यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज कॉल्ड एज द स्पीड ऑफ द बॉडी। हम एक बार फिर से यूनिट टाइम दैट मीन्स इन वन सेकेंड और इन वन आवर, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, है ना। सिंपल सा, ज्यादा कुछ है नहीं। स्पीड क्या है, डिस्टेंस से रिलेटेड है, डिस्टेंस भी स्केलर, टाइम भी स्केलर है, क्या हो जाएगा ओवरऑल स्केलर, इस तरह से स्पीड भी स्केलर हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर होगा। हमें जब भी यहां पे चेक किया जाए इसका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी के बारे में, व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के बारे में कहोगे कि द डिस्प्लेसमेंट डन इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सपोज दैट यहां से यहां आते आते लेंथ टोटल हो गया इसका 50 मीटर यानी 50 मीटर, बट यहां से ये लेंथ देखा जाए तो 20 मीटर ही है। टाइम कितना लग गया आने में, हो सकता है कि 20 सेकेंड लगा हो, बताओ स्पीड क्या होगा, तो डिस्टेंस बाई टाइम, यानी 50 बाई 20 हमारा हो गया स्पीड, बट वेलोसिटी क्या होगा 20 बाई 20 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहां पे इस तरह से, तो इस तरह से क्या देखा, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द वेलोसिटी। सिमिलरली यू कैन से दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। अगला है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम क्यों लेते हैं, है ना। व्हेन एवर इज गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड देन इन दैट केस there is too difficult to distinguish, that means to justify the speed of the body। जैसे ही कोई body जा रहा है यहां से कहीं गया, तो कहीं पे कुछ और स्पीड में जा रहा है, कहीं पे कुछ और स्पीड में जा रहा है। जैसे हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो कभी कहीं ट्रेन काफी स्पीड है, कहीं काफी स्लो है, कहीं रुक भी जाती है, तो वैसे केस में आप क्या बोलोगे कि ट्रेन का स्पीड कितना था, किसी समय 80 किलोमीटर पर आवर था, किसी समय 20 किलोमीटर पर आवर था, कौन से स्पीड को आप लोगे। तो ऐसे केस को रिजोल्व करने के लिए ही एवरेज स्पीड को बनाया गया, एवरेज स्पीड को लिया गया। तो एवरेज स्पीड क्या है, दिस इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विथ टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज नोन एज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, द स्पीड ऑब्जर्व्ड और व्यूज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये ज्यादा कुछ है नहीं, जिस समय आपने व्हीकल में देखा, जिस समय आपने ट्रेन में देखा, जिस समय आपने बस में देखा, अभी अपने घड़ी में देख, आपने तुरंत देखा कि अभी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो उस पार्टिकुलर टाइम का, उस स्पेसिफिक टाइम का इंस्टेंटेनियस स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। कुछ समय बाद क्या स्पीड बढ़ाते कर बढ़ा रहे हो, देख रहे हो कि बढ़ रहा है, जिस समय आपने देखा कि 40 है, तो उस समय का क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस क्षण का क्या हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है कुछ नहीं, जिस समय आपने जो स्पीड देखा वही स्पीड उस टाइम का इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ना। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, आज का टॉपिक यहीं पे रहेगा।